अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमने जो सी गिग ऑलरेडी हमने बना ली है उसके अंदर हमने डिफरेंट पिक्चर्स वीडियोस इस तरह की काफ़ी चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन हम क्विकली इसको करना चाहते हैं, कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएँ, कोई चीज़ फ्रीली मिल जाए, हम उसी को एडिट करके कुछ नया प्रोड्यूस करके वो इधर गिग की जगह जहाँ पर पिक्चर है या वीडियो है हम उधर यूज़ कर लें। सो आज मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज बताने वाला हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री वेबसाइट्स बताने वाला हूँ जिधर से आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको एडिट करके वही अपलोड कर सकते हैं और क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। सो लेट्स सी इन द कंप्यूटर स्क्रीन के कौन कौन सी वो चीज़ें और किस तरह आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वेबसाइट जो सी है दैट इज़ freepik.com। इसका ये है कि इधर से आप PSD, AI और JPJ, PNG इस तरह की जो सी इलस्ट्रेशंस होती हैं वो भी आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई गिग बनाई है जो कि पोस्टर मेकिंग की है तो मैं इधर लिखता हूँ कि जी पोस्टर, तो इधर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स आ जाएंगी। आप इधर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टेम्पलेट्स आ गई हैं। आप इधर से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और उधर पेस्ट कर सकते हैं अपनी गिग की पिक्चर वाली जगह पर। तो इससे ये होगा कि एक क्रिएटिव ऑलरेडी इधर सेंस बनी हुई है, कलर स्कीमिंग हुई है, एवरीथिंग इज़ डन, यू जस्ट हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडिट करना और अपलोड कर देना ऑन योर फाइवर गिग। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट कर, क्योंकि ये वाले जो उनसे कलर्स हैं दीज आर ऑल प्रोफेशनली यूज्ड कलर्स, और जब आप ये वाली ही पिक्चर्स इस्तेमाल करके यही टेम्पलेट्स इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम अप। तो आप इधर से काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, आप कोई भी इधर से चूज़ कर सकते हैं, आप इधर से डाउनलोड करें। डाउनलोड किस तरह होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू चूज़ दिस वन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि ये मेरे पास इंटरफेस आ गया, ये राइट साइड के ऊपर डाउनलोड का बटन है, मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो नीचे गो टू प्रीमियम है, गो प्रीमियम एंड फ्री डाउनलोड है। मैं फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो सी डाउनलोड है फाइल वो स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज़ स्टार्टेड। तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप इधर से कोई भी टेम्पलेट आपने डाउनलोड करनी है वो इधर से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई और चीज़ करना चाहता हूँ, फ्लायर करना चाहता हूँ, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स इधर आ जाएंगे, आप वो डाउनलोड करें AI के अंदर, या इधर EPS फाइल का फॉर्मेट होता है वो डाउनलोड करें जो कि अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर खुल जाता है, आप उसको यूज़ करके तो कुछ क्रिएटिव इधर से बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बैनर बनाना चाहता हूँ या मॉकअप बनाना चाहता हूँ तो इधर से काफ़ी ज़्यादा, इधर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आप इधर से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और वही पिक्चर या जो सा भी आपने जिस चीज़ के रिलेटेड बनाई है वो वाली आप इधर सर्च करें पिक्चर को और उसी तरह कुछ एडिट करके, मॉकअप कुछ एडिट करके आप कुछ न्यू क्रिएटिव चीज़ें बना के उधर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर मैंने पिक्चर कोई डाउनलोड करनी है, डेफिनेटली जब मैंने इधर से कोई टेम्पलेट उठानी है तो मैं चाहता हूँ कि यार अगर कोई पिक्चर भी मिल जाए तो दैट इज़ अ गुड, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो आपने पिक्चर कहाँ से लेनी है, आप पिक्सेल्स पे जाएं, pixabay.com, pixabay.com एक वेबसाइट है और एक pixels.com एक वेबसाइट है। pixabay पे आप जाएं और इधर पे इधर आप वीडियोस की जगह पे पिक्चर सेलेक्ट करें और इधर आप कोई भी वर्ड लिखें लाइक पर्सन और मैन, because I just want to make a template, एक मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर कोई एक हंसता हुआ लड़का हो, आप इधर से कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से पिक्चर इधर से डाउनलोड करें और वो उधर पेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है, आप pixels.com पे जाएं, इधर आप कोई भी कीवर्ड आप लिखें तो डेफिनेटली उसकी पिक्चर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके सामने आ जाएंगी। तो इधर से आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट जो सी ऑलरेडी डाउनलोडेड है उसके अंदर ये पिक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड जस्ट मेक समथिंग क्रिएटिव, और वही जो सी चीज़ आपने उठा के अपनी गिग के ऊपर लगा देनी है। सो इट इज़ रियली सिंपल। आपने पिक्चर किस तरह बनानी है, आपने freepik.com वेबसाइट पर जाना, उधर से टेम्पलेट उठानी है, पिक्चर अगर यूज़ करनी है कोई तो आप अपनी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करनी है अपनी या कोई नेचर की करनी है या स्टफ लाइक दैट या कोई आइटम की करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वही पिक्चर जो सी या पिक्सेल्स या pixabay से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ करके यू कैन मेक अ पिक्चर जो कि आप गिग की जगह पे गिग की जो सी पिक्चर है उधर अपलोड कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि यार मैंने अगर वीडियो कोई बनानी है तो
तो वो मैं किस तरह बना सकता हूँ, इसका कोई सोर्स है, मैं फ्री कोई ऐसा सोर्स जहाँ से मुझे वीडियो मिल जाए, कोई टेम्पलेट मिल जाए, मैं उसी को डाउनलोड करूँ, उसी को एडिट करके स्टार्ट कर लूँ। सो फॉर दैट आप जाएँ shareai.com, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आपको फ्रीली टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, अडोब आफ्टर इफेक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। आप इधर से जाएँ, आप ये सर्च बार के अंदर कोई भी कीवर्ड आप इधर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं एंड आई जस्ट वांट के स्लाइड शो कोई हो, और वो मैं चाहता हूँ कि स्लाइड शो कोई मैं बनाना चाहता हूँ, और इसकी फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप कोई लोगो अपने लगा सकते हैं स्लाइड शो के अंदर। अगर आप कोई वेडिंग का सीन इवेंट है या कोई और इवेंट है, आप वो वाला इवेंट की पिक्चर्स अगर आपके पास हैं, आप स्लाइड शो के अंदर लगा के एक अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आ गई हैं इसकी टेम्पलेट्स। इधर से मैं कोई भी टेम्पलेट जो सी है वो रीड मोर के ऊपर क्लिक करूँगा, बट यू हैव टू सी के वो फ्री हो, वीआईपी ना हो। और उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ रीड मोर के ऊपर सी के मेरे पास ये एक इंटरफेस खुलता है। इसके अंदर ये एक प्लेबैक है, इधर से मैं प्ले कर सकता हूँ इस वीडियो को, जैसे कि ये प्रीव्यू जो सा आएगा ये किस तरह का होगा। तो मुझे ये प्रीव्यू अच्छा लगा, मैं क्या करूँगा कि ये डाउनलोड फ्रॉम जीपी शेयर, अगर जो सी भी आपकी टेम्पलेट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है डाउनलोड फ्रॉम जीपी शेयर डॉट कॉम, तो फिर ही आप उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अदर लाइक टर्बोबेट, फाइल ब्लेड, तो ये वाली जो सी अदर वेबसाइट्स हैं ये पेड हैं, अगर इनके ऊपर आप पे करेंगे तो फिर आपको डाउनलोड मिलेगी फ्री, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोना बी डाउनलोडेड। तो आपने क्या करना है, अगर आपको फ्री फाइल चाहिए तो आपने जीपी शेयर डॉट कॉम के ऊपर क्लिक करना है, एक न्यू टैब खुलेगा, आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और आपकी फाइल जो सी है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो आपने उसी को अडोब आफ्टर इफेक्ट्स में खोलना है, और डिफरेंट जो सी भी चीज़ें होंगी कस्टमाइज़ करनी है अपने हिसाब से, अमेंड करनी है, चेंजेस करनी है अपने हिसाब से, लोगो है या कोई और आप जो सी भी चीज़ ऑफर कर रहे हैं उसको इधर लगा सकते हैं, और फिर एक वीडियो जो सी आप रेंडर्ड फॉर्म के अंदर बना के और अपनी फाइल फाइवर की जो सी प्रोफाइल है उधर अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड जो सा प्लेटफॉर्म है आप जा सकते हैं मिक्सकिट, इधर आप डिफरेंट ट्रांजिशंस अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं आपकी सिंपल प्लेन वीडियो, तो आप इधर से ट्रांजिशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप टेम्पलेट्स हैं, प्रीमियर प्रो की हैं, आफ्टर इफेक्ट्स की हैं, फाइनल कट की हैं और डिवेंची रिजॉल्व्स की हैं, तो आप इधर से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, आप इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट्स। इधर प्रीमियर प्रो भी आ रहा है और अदर फाइनल कट और ये वाली भी चीज़ें आ, और इसके अंदर चार सॉफ्टवेयर जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट इन द शेयर ई उसके अंदर सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स की टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं। मिक्स किट के ऊपर ट्रांजिशंस हैं, उसके बाद ओपनर्स हैं, टाइटल्स हैं, लोगोज हैं, लोड थ्रेड्स हैं, स्लाइड्स, कॉल आउट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टैग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं। सो यू कैन चूज़ एनी, जो भी आप रिक्वायर्ड है आपको, आप वो डाउनलोड करें, टेम्पलेट डाउनलोड करें और उसी को अमेंड करके चेंज करके अपने हिसाब से उसको रेंडर करें, और फिर उसके बाद आप वो वाली वीडियो यूज़ कर सकते हैं ऑन योर फाइव गिग। उसके बाद अगर मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चाहिए जो कि अट्रैक्टिव हो, वीडियो यूज़ करनी है उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक ना हो तो इट डजेंट मेक लुक अट्रैक्टिव, तो मैं चाहता हूँ कि यार इसके पीछे एक म्यूज़िक भी हो। देर आर टू वेबसाइट्स, आप bensounds.com एक वेबसाइट है, आप इधर से जाके जोन सा भी फ्री म्यूज़िक है आप उधर से कोई भी आपको जोन सा भी पसंद आता है आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं ये ट्रायंगल के ऊपर आप प्ले भी कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आफ्टर लिस्टिंग जो सा भी आपको पसंद आता है आप उसको डाउनलोड करके वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड वेबसाइट जो सी है दैट इज़ audionautics.com, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वराइटीज़ हैं, मूड आप किस तरह का, आप म्यूज़िक चाह रहे हैं कामिंग, रिलैक्सिंग, अपलिफ्टिंग, ब्राइट, ग्रूविंग, एनर्जी, सैड, ड्राइविंग, बाउंसी, दीज ऑल आर द मूड्स, आप इधर से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पो है, फास्ट आपको चाहिए, मीडियम चाहिए, स्लो चाहिए, आप वो लिख सकते हैं। जेनेरिक उसका किस तरह का होना चाहिए, अगर कोई कीवर्ड है आप स्पेसिफिकली सर्च करना चाहते हैं आप वो इधर लिखें, और फिर फाइंड म्यूज़िक कर सकते हैं आप।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा मैं जो सी भी मूड का म्यूज़िक चाहता हूँ वो कूल हो और एपिक हो, मैं इन दोनों को टिक करता हूँ। कोई भी इसका टेम्पो हो जाए, आई जस्ट वॉन्ट के म्यूज़िक मुझे मिल जाए, आई जस्ट गो एंड फाइंड म्यूज़िक, आपको काफ़ी ज़्यादा इधर ऑफ म्यूज़िक आ जाएंगे। इधर आप इधर से लिसन कर सकते हैं और फिर डाउनलोड MP3, तो इधर से काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक्स हैं, आप लिसन करके तो अपने हिसाब से अपनी नीड के मुताबिक इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ देम इन आफ्टर इफेक्ट वीडियो या जो सा भी टेम्पलेट आपने यूज़ किया, प्रीमियर प्रो में करना है या फाइनल कट में करना है, आफ्टर इफेक्ट में करना है, आप उधर जाके ये वाला म्यूज़िक लगाएं, जस्ट मेक अ क्रिएटिव वीडियो लोगों की बना सकते हैं, राइटिंग के अगर आप सैम्पल्स लगा के स्लाइड शो कोई बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपके पास लोगो है या इंट्रो बनाना चाहते हैं, ओपनर बनाना चाहते हैं, ऐड बनाना चाहते हैं, एनीथिंग व्हाट यू वांट, आप क्या करें जाके टेम्पलेट डाउनलोड करें आइदर फ्रॉम शेयर ई या मिक्सकिट, उधर से डाउनलोड करें अपने हिसाब से टेम्पलेट डाउनलोड करें, पिक्चर अगर यूज़ करनी है पिक्साबे और पिक्सेल से जाके डाउनलोड करें आप वो यूज़ करें, अगर आपको म्यूज़िक चाहिए आप blendsounds.com इधर से जाके आप डाउनलोड करें और वो यूज़ करें, सेकंड ऑडियो नॉटिक्स आप इधर से जाके म्यूज़िक डाउनलोड करें वो यूज़ करें, सो देयर आर अ लॉट ऑफ द थिंग्स, आप क्विकली क्विकली बहुत स्पीड के साथ ये सारा कुछ कर सकते हैं, टेम्पलेट डाउनलोड करें, सारा कुछ से डन करें, अपनी गिग को रैंक करें, जो सी मैंने ऑलरेडी चीज़ें आपको बताई हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह की लिखनी है, उसके बाद जो सा आपका पिक्चर होगी वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके बाद आपकी वीडियो किस तरह की होनी चाहिए, सैम्पल किस तरह का होना चाहिए, दिस इज़ ऑल इन डिटेल, आप उस हिसाब से वीडियोस बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, अपलोड करें एंड जस्ट स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम फाइवर, जस्ट रैंक ऑन द फर्स्ट पेज एंड स्टार्ट अर्निंग। तो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है बाहर के साथ, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे आप अच्छे तरीके से, या उसको समझा नहीं पा रहे आपका अपना प्रोजेक्ट या जो भी आपके माइंड में उसको समझा नहीं पा रहे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोना बी अ गुड फ्रीलांसर इन द फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा फ्रीलांसर बनूं इन द फ्यूचर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, सो फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट लेसन, जिसके अंदर मैं कम्युनिकेशन, हाउ टू हैंडल प्रोजेक्ट्स, हाउ टू कम्युनिकेट, how to respond, so this all is coming up in the next lesson, so until then take care, Allah.